Hey guys, my name is Marius Wild and आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टील करने वाले हैं बुगाटी शोरूम से उसकी सारी गड्डियां। That's right दोस्तों, यही जो तुम लोग को सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यही हम लोग का बुगाटी शोरूम है। अरे चलो यार, थोड़ा डाका बाका डालना स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले गाइस, मेरा प्लान ये है कि हम लोग अभी एज अ कस्टमर जाएंगे, एज अ फर्जी कस्टमर, यहाँ के लोगों को कन्विंस करेंगे कि हम लोग बहुत पैसे वाले बंदे हैं एंड यहाँ पे हम लोग गाड़ी चोरी करने नहीं बल्कि गाड़ी खरीदने आए हैं। सो चलो दोस्तों, एक्टिंग करना स्टार्ट किया जाए। सो यार, आजकल मेरे बिजनेसेस कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, इतने पैसे कब मैं करूंगा क्या? तो लाओ भाई, आज थोड़ी बुगाटीज ही खरीद लूं। यहाँ के कर्मचारी काम अर गए। अरे लॉन्जी, तुम क्या यहाँ के कर्मचारी? अरे हाँ शाहजी, वेलकम टू द बुगाटी शोरूम, हम यहाँ के मैनेजर हैं। शाहजी लगता है यार आपको कोई गाड़ी खरीदनी है। नहीं लॉन्जी, मैं यार डायपर खरीदने आया था। क्या शाहजी क्या? अरे मैनेजर जी, मैं गाड़ी के शोरूम में आया हूँ तो गाड़ी खरीदने आया हूँ ना, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि गाड़ी खरीदने आये हो? ऑब्वियस सी बात है यार, बेवकूफ मैनेजर। सो अब वहाँ पे क्यों खड़े हो यार? मैनेजर जी यार फटाफट आओ ना यार, मेरे पास इतना ज्यादा फालतू टाइम नहीं है। मेरी एक एक मिनट की वैल्यू करोड़ों में है बेवकूफ आदमी। हाँ जी, तो शेट्टी ऐसा करते हैं, आपको सारी गाड़ियां बताते हैं। देखिए ये वाली जो गाड़ी है, ये पुलिस एडिशन गाड़ी है, आप हमारे प्यारी लॉस सैंटोस पुलिस के लिए हमने खास ये डिजाइन करवाई है, अपनी बुगाटी शिरोन पुलिस एडिशन। ये वैसे तो नॉट फॉर सेल है, लेकिन अगर आप मोटी रकम दिखाएंगे हमको तो हम इसे बेचने को भी मान जाएंगे। अरे पैसों की चिंता मत करो यार मैनेजर जी, यार पैसों की चिंता मत करो, पैसे अपन के पास बहुत है, सब गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ एक बार में। सो ये वाली गाड़ी कौन सी है? अरे शाहजी, ये बुगाटी शिरोन स्पोर्ट्स एडिशन है, बहुत रेयर गाड़ी है, पूरी दुनिया में ऐसी बस 10 गाड़ियां बनी है। ओह हो, केवल 10 गाड़ियां? ओ माय गुडनेस यार, ये तो काफी रेयर गाड़ी है। हाँ जी शाहजी, पूरे 50 करोड़ की है। बस 50 करोड़ यार? यार ऐसी तो मैं 50 खरीदूं यार, पैसे की कमी नहीं है। एंड उसके बाद गाइस यार, ये वाली बुगाटी कौन सी यार? ये पहली बार देखी मैंने। हाँ यार, दिखने में ये गाड़ी बिल्कुल भी मेरे को नॉर्मल बुगाटी स्पोर्ट्स कार तो नहीं लग रही है, एंड थोड़ा थोड़ा ये रोल्स रॉयस की याद दिला रही है ना। अरे बिल्कुल सही बोले शाहजी, हमारी लग्जरी लाइन गाड़ी है, ये भागती तो तेज ज्यादा नहीं है लेकिन आप जैसे रहीशों को आनंद पूरा देती है। ओके नाइस नाइस, अच्छी गाड़ी है। एंड उसके बाद देन आपके पास एक और यार नॉर्मल सी बुगाटी है। अरे शाहजी, कोई नॉर्मल बुगाटी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ये दुनिया की फास्टेस्ट बुगाटी है। फास्टेस्ट बुगाटी? हाँ जी शाहजी, इसमें बुगाटी वेरोन और शिरोन दोनों का इंजन को मिक्स करके बनाया गया है और ये दुनिया की फास्टेस्ट बुगाटी है। ओह मैनेजर जी, आपके पास कुछ ज्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं है, फास्टेस्ट बुगाटी आपके पास रखी है। नाइस नाइस सर जी, कलेक्शन तो काफी अच्छा है, मन तो कर रहा है यार सारी ले लूं, क्योंकि यार मैनेजर जी पैसे की कमी तो मेरे पास है नहीं, पैसा तो बहुत है, लेकिन यार दिक्कत ये है कि मेरे पास ऑलरेडी 30 गाड़ियां हैं तो मेरे घर में ज्यादा जगह बची नहीं है, तो मैं बस एक ही दो गाड़ी ले पाऊंगा। तो ऐसा मैं करता हूँ, आपकी ये गाड़ियों की जरा टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ, फिर मैं अपने पसंद से एक दो कोई गाड़ी खरीद लूंगा। अरे हाँ शाहजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेस्ट ड्राइव तो मिलेगी। ओके तो मैनेजर जी यार निकालो यार, पीली वाली गाड़ी की चाबी निकालो जल्दी से, टेस्ट ड्राइव लेके आता हूँ। अरे हाँ शाहजी, मंगा रहे चाबी मंगा रहे। ओए टिल्लू, पीली वाली बुगाटी की चाबी जल्दी से फटाक से ले आओ। हाँ पापा, ले आया मैं चाबी। हाँ टिल्लू बेटा, ऐसा करो भैया के साथ जरा चले जाओ, इनको टेस्ट ड्राइव करा के ले आओ। हाँ जी ठीक है पापा, चलो भैया चले, बुगाटी उड़ाते हैं, लेट्स गो। हाँ टिल्लू रुको चल रहे हैं। सो मैनेजर जी, मैं ये बोल रहा था यार, फालतू में टिल्लू को क्यों परेशान कर रहे हो? आपका इतना मासूम सा बेटा मेरे को थोड़ा थका लग रहा है, लगता है ये अच्छे से सोया नहीं है, इसको सोने दो, मैं बस 2 मिनट में खुद ही यार टेस्ट ड्राइव लेके आता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अरे शाहजी सॉरी यार, लेकिन हमारी कंपनी अलाउ नहीं करती। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है यार, चलो टिल्लू लाओ भाई चाबी लाओ, चले हम लोग। हाँ जी भैया ये लो। हाँ हाँ चलो चले। ओके तो चलो चाबी लगाए, इन गाड़ी में बैठे, अब ये हम भी बैठ गए गाड़ी में, और ये बोल रहे थे भैया जरा चौराहे में फिर गाड़ी रोक देना, एक कुरकुरे का पैकेट खरीदना है। हाँ टिल्लू रोक देंगे, चौराहे में रोक देंगे, खरीद लेना तुम कुरकुरे मैगी जो भी खरीदना खरीद लेना। एंड ऑल राइट, यहाँ से हम लोग को चलना है ना, वोट तो है कि क्या हो रहा है? अरे भैया क्या कर रहा है? अबे मैं क्या कर रहा हूँ बे टिल्लू बेवकूफ आदमी, तुम्हारा ही शोरूम डिफेक्टेड है, नहीं तो पता नहीं कैसी रोड यहाँ पे बनवा के रखी है, हम लोग आर पार जा पा रहे हैं इस रोड के। वाह, अब चलो यार यहाँ से चला जाए एंड अब थोड़ी गाड़ी वाड़ी उड़ाई जाए, लेट्स गो। टिल्लू अच्छे से सीट बेल्ट लगा लेना, थोड़ी ज्यादा तेजी में हम लोग गाड़ी चलाएंगे। अबे भैया इतनी तेजी मत चलाओ गाड़ी, फालतू में मेरा पैजामा गीला हो जाएगा भैया, डर लग रहा है। अरे डरने की जरूरत नहीं है टिल्लू दोस्त, बुगाड़ी को ऐसे ही चलाया जाता है दोस्त, आराम से ऐसे ये। भैया प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ, हम डायपर भी नहीं पहन के। अबे यार टिल्लू ठीक है यार, थोड़ा धीरे चलाते हैं हम लोग, है नहीं तो बेवकूफ टिल्लू। हाँ भैया थैंक यू। और भैया हम ये बोल रहे थे यहीं से गाड़ी घुमा लो जरा, हमको जरा कुरकुरे लेने दुकान से। ओ हाँ यार कुरकुरे लेने थे ना तुम्हें। टिल्लू कौन सा फ्लेवर चाहिए कुरकुरे का? भैया हमें तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन टमाटो वाले की बात अलग है। ओहो टमाटो वाला नॉट बैड यार, अच्छा तुमने यार ये वाला फ्लेवर ट्राई किया है? भैया ये क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं दोस्त यार, तुम्हें कुरकुरे चाहिए था ना, तो थोड़े कुरकुरे खिला रहे हैं। हमें डर लग रहा है भैया, छोड़ दो। डरने की बात नहीं है टिल्लू दोस्त, बस अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना तो जो मैं बोलूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। हाँ
भैया करेंगे करेंगे, जो बोलोगे वो करेंगे। सो दोस्त ऐसा है, तुम फटाफट मेरे को अपना मोबाइल फोन वॉलेट सब कुछ दे दो और यहाँ मेरी गाड़ी से उतर जाओ। उसके बाद कल के दिन तक शोरूम के आसपास भी नहीं भटकना, वरना बैठे बहुत अच्छा वाला फ्लेवर वाला कुरकुरे खिलाऊंगा। अरे भैया शोरूम के आसपास के, हम तो इस शहर से ही भाग जाएंगे भैया, बस छोड़ दो। ऑलराइट चिल्लू बेटा, ठीक है फटाफट यहाँ से निकल लो। हाँ भैया निकल लिए। ओके टिल्लू अब मैं चलता हूँ, तुम बेटे शोरूम के आसपास भी मत भटकना, नहीं तो साले पेल दिए जाओगे। हाँ भैया नहीं आएंगे। हाँ हाँ ठीक है एंड ओके। दोस्तों यार हम लोग ने अपनी फर्स्ट गाड़ी आई थिंक स्टील कर ली है, मैंने उस टिल्लू को इतना ज्यादा डरा दिया है। एंड यार वो शोरूम के आसपास आएगा नहीं तो मैनेजर जी को पता नहीं चलेगा कि हम लोग ने गाड़ी स्टील करी है, एंड उसके बाद हम लोग अपनी आगे की गाड़ियां भी स्टील कर सकते हैं। एंड जब तक मैं इस गाड़ी को खड़ी करने जा रहा हूँ, मेक श्योर अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दो, इस टाइप की मस्त मस्त वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ, ऑल्सो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड अब चलो लेट्स गो। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग वापस से शोरूम में आ चुके हैं। एंड वो देखो यार मैनेजर जी खड़े हुए हैं, इनको यार अभी तक कुछ पता ही नहीं चला होगा कि हम लोग ने कौन सी कांड की है। इस समय इनके पास यार नॉर्मली चलते हैं, कुछ बहाना मारते हैं। हेलो मैनेजर जी। अरे सर जी ये क्या चक्कर है, आप अकेले आए हो, हमारी बुगाटी और टिल्लू कहाँ गए? अरे असल में मैनेजर जी यार टिल्लू को वो कुरकुरे नहीं लेने थे, तो असल में यार गाड़ी मैंने रोकी थी चौराहे तक एंड फिर वहाँ कुरकुरे मिले नहीं, तो टिल्लू बोलने लगे यार मैं शोरूम पहुंच जाऊँ पैदल पैदल, वो जरा दूसरे मार्केट से कुरकुरे लेने जा रहा है, तो मैं आ गया यार पैदल पैदल। ओहो यार ये टिल्लू यार बहुत बड़ा वाला आउटर चला जा रहा है, आपको इतनी दूर से पैदल पैदल आना पड़ा, आज इस टिल्लू की मैं बैंड बजा के रहूंगा। अरे अरे कोई नहीं यार मैनेजर जी, यार बच्चा है टिल्लू। हाँ भैया ये तो सही बोला, मेरा प्यारा बच्चा है, मैंने उसे 3 दिन से गुड नाइट किस नहीं दी ना, इसीलिए थोड़ा दुखी दुखी घूम रहा है आजकल, कुरकुरे खाता रहता है पूरे दिन। हाँ कोई बात नहीं भैया, आज उसे गुड नाइट किस दे देना और अच्छे से देना। मैं ये बोल रहा था मैनेजर जी यार मेरे को यार तब तक दूसरी गाड़ी की यार जल्दी से टेस्ट ड्राइव दे दो यार, मेरे को यार जल्दी गाड़ी सेलेक्ट करके लेनी है, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, मेरे ऑफिस से कॉल आ रहे हैं मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। ओहो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब यार सर दिक्कत वाली बात ये है कि और कोई एम्प्लॉय अभी हमारे शोरूम में है नहीं, तो आपके साथ में किसको टेस्ट ड्राइव में भेजूं? अरे अरे सर जी टेंशन मत लो यार, मेरे को बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है यार, मैं बस 2 मिनट में अकेले घुमा के लाता हूँ ना गाड़ी, आप चिंता क्यों करते हो? अरे चलो ठीक है सर जी, फिर यार जल्दी आ जाना, नहीं तो कंपनी वाले हमें परेशान करेंगे। अरे हाँ बस 2 मिनट में आ जाऊंगा, बस मेरे को जल्दी से चाबी दो, एंड ऐसा करो वो लग्जरी वाली रोल्स रॉयस की इस बार देना चाबी। हाँ हाँ सर जी ये लो चाबी मैंने दे दी। हाँ हाँ थैंक यू मैनेजर जी। एंड ऑलराइट दोस्तों बना दिया हम लोग ने सक्सेसफुली लल्लू इस मैनेजर को, एंड अब चलो यार इस गाड़ी में बैठा जाए। ओह माय गॉड बड़ी ही मजेदार गाड़ी है ये। एंड अब चलो दोस्तों इसे जल्दी से भगा के निकल लेती है, खुल जा सेम सेम गैराज खुल जा। एंड अब मैं यार नीचे से चाहूंगा, बाप रे यार कैसी रोड बनवा के रखी है मैनेजर लोग ने, बार बार रोड के आर पार में गिर पड़ता हूँ। हट जाओ सब लोग, मैं अपनी लग्जरी रोल्स रॉयस के साथ आ रहा हूँ। एंड ओ माय गॉड यार ये लग्जरी रोल्स रॉयस जरूर है, लेकिन ये स्पोर्ट्स कार वाली हरकतें जरूर कर रही है यार, इसकी स्पीड देख रहे हो कितनी ज्यादा है। चलो एक बार फुल स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। ओ माय गॉड ओ माय गॉड 200 की स्पीड ऑलमोस्ट क्रॉस हो गई है। फक नहीं गड़बड़ हो गया, बट ऑलमोस्ट आई थिंक यार अगर खाली रोड हो ना तो 200 की स्पीड क्रॉस कर जाएगी। बढ़िया यार ये गाड़ी। सब चलो दोस्तों इस गड्डी को मैं जल्दी से खड़ी करके आता हूँ, एंड फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट बुगट्टी लेने चलते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस हम लोग वापस शोरूम में आ चुके हैं, एंड अब मैं कौन सा बहाना बनाऊंगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सो पहले तो यार थोड़ा एक्टिंग वापस से शुरू करते हैं। एंड ओहो यार मैनेजर जी यार क्या करते हो यार, यार इतनी महंगी महंगी गाड़ियां आपने यहाँ पे खड़ी करके रखी है, एटलीस्ट उसमें पेट्रोल तो डलवा के रखा करो। अरे सर जी क्या हो गया? अरे क्या कुछ नहीं हो गया मैनेजर जी, ये पूछो, मैं बढ़िया गाड़ी चलाते चलाते जा रहा था, एंड यार आपकी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया, तो गाड़ी यार बीच ही में खड़ी हो गई। एंड उसके बाद पता है यार ऑल्टो वालों ने मेरी कितनी खिल्ली उड़ाई है, कितनी शर्म की बात है। आपको पता है कि बुगाटी से चलने वाला आदमी बीच चौराहे में खड़ा हो जाए, उसकी गाड़ी बंद पड़ जाए, ऑल्टो और नैनो वालों ने मेरी रेड मार दी, इतनी बेइज्जती करी मेरी। ओहो सॉरी सर जी सॉरी, हमें पता नहीं था उसमें पेट्रोल नहीं है, वेरी सॉरी। और यार अब मेरी बुगाटी गाड़ी चौराहे में खड़ी है, उसे तो वहाँ पे कोई भी चोरी कर सकता है, वैसे लॉस एंटोस में बहुत चोर है, मुझे उसे वापस लाना पड़ेगा, तो भैया मेरी हेल्प कर दो प्लीज भैया। अब ऐसा करना यार प्लीज शोरूम की सिक्योरिटी कर लेना, मैं बस 10 मिनट में यार पेट्रोल यहाँ से लेके जाता हूँ, गाड़ी में डालता हूँ, फिर जल्दी से यहाँ से भगा के लाता हूँ, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए यहीं पे रह लो और यहाँ की सिक्योरिटी कर लो। अरे अरे मैनेजर जी यार टेंशन मत लो ठीक है, मैं यहीं पे रहूंगा, आपके पूरे शोरूम की सिक्योरिटी करूंगा, डोंट वरी, आप फटाफट जाओ जल्दी से गाड़ी लाओ। हाँ हाँ भैया जाते हैं, बस 10 मिनट में आ रहे भैया यहीं पे रहना। हाँ हाँ भैया टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अरे भैया क्या कर रहे हो, फेल दिया, क्या कर रहे हो भैया? अरे अरे सॉरी मैनेजर जी यार मेरा थोड़ा पैर स्लिप हो गया, तो मैं आपके ऊपर गिर गया, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे भैया नहीं लगी चोट, लेकिन यार बाप रे यार थोड़ा ध्यान से रहना यार। हाँ मैनेजर जी जाओ जाओ आराम से जाओ। एंड ऑल राइट दोस्तों यार मैनेजर तो चला गया, बहुत बढ़िया। एंड यार उस मैनेजर को मैंने धक्का मारने के बहाने उसकी जेब से सारी की सारी चाबियां निकाल ली, एंड एक्चुअली में उसकी जेब में केवल 2 ही चाबी थी, सो प्रोबेबली यार इन्हीं दोनों बुगाटी की चाबियां होंगी। तो चलो यार दोस्तों यार जल्दी से यार इससे पहले वो मैनेजर आ जाए हम लोग जल्दी से यार गाड़ी पे चाबी लगाते हैं एंड गाड़ी को भगा के ले जाते हैं दोनों की दोनों। लेट्स गो पुलिस सुपरकार, अब तुम्हारी बारी है जाने की। एंड जल्दी से यार इस गाड़ी को मैं घर में खड़ी करके
जाता हूँ बिकॉज एक और गाड़ी अभी बची हम लोग को स्टील करना। सुबह गड्डी भी यार हम लोग को मैनेजर के आने से पहले स्टील करनी पड़ेगी। सो चलो यार जल्दी से चलते हैं। एंड ओके दोस्तों हम लोग वापस शोरूम में आ चुके हैं। एंड ओके मैनेजर अभी भी नहीं आया, बहुत बढ़िया। एंड चलो यार अब हम लोग अपनी वर्ल्ड फास्टेस्ट बुगाटी को स्टील कर लेते हैं। उस मैनेजर ने बोला था यार कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुगाटी है, सो चलो यार इसे भी स्टील कर लिया जाए। देखो पापा इसी ने हमको डरा दिया था, हमको बंदूक दिखा के हमको गाड़ी से निकाल दिया था। इतना ज्यादा मैं डर गया था कि मेरा पैंट गीला हो गया। अरे मेरे प्यारे टिल्लू बेटा तुम चिंता मत करो, इस बदतमीज़ मनुष्य ने तुम्हें परेशान किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैनेजर जी अच्छा आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए तो आपको मेरे को पहले पकड़ना पड़ेगा ना। जल्दी से गाइस गड्डी में चाबी लगाते हैं एंड भगाते हैं ऐसे। अरे ऐसे कैसे भागोगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या बोल रहे भाई साहब। अरे भैया पेल दिया। अरे भैया हमको भी पेल दिया रे। पापा बच के रहना। बेटे तुम तो पहले बच जाओ। अरे भैया। एंड ओके दोस्तों हम लोग ने थोड़ा सा बाप बेटों को पेल दिया है, दोनों आई थिंक बेहोश हो चुके हैं। कुरकुरा और दिला दो प्लीज। हाँ गाइस अच्छे से दोनों बेहोश हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। एंड हम लोग यहाँ से अब यहाँ से चलते हैं, इससे पहले ये लोग बेहोश से वापस होश में आ जाएं हम लोग यहाँ से जल्दी से भागते हैं। ओह माय गॉड यार ये गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट है। अरे बाप रे इतनी ज्यादा फास्ट है कि हम लोग उड़ी गए गाड़ी से। लेकिन हाँ यार तुम लोग देखना यार स्पीडोमीटर में ये गाड़ी लिटरली बहुत ज्यादा फास्ट है। देखना 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 200 की स्पीड क्रॉस हो गई, 300 हो गई, ऑलमोस्ट 400 होने वाली थी। लाइक इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी 300-400 की स्पीड क्रॉस हो जा रही है लिटरली। सोचो यार ये कितनी ज्यादा पावरफुल गाड़ी है, होनी भी चाहिए क्योंकि ये दुनिया की फास्टेस्ट बुगाटी है। एंड यस दोस्तों अब मेरे को तुम लोग यार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ चारों बुगाटी गड्डियों में जो कि आज हम लोग ने स्टील करी, तुम्हारी इन चारों में से सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सी थी, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड बस यार दिस इज वेरी गुड, मिलता हूं तुम सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।